अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। सुबह सुबह का टाइम है जी, और आज हम लोग जा रहे हैं भजवेर का ऑपरेट करवाने के लिए। तो आप सब ने दुआ करनी है इंशाल्लाह। सेकेंड टाइम डॉक्टर साहब बैठेंगे और फिर इंशाल्लाह ऑपरेशन करवा देना है भजवेर का, क्योंकि उन्हें कुछ टाइम से, बल्कि साल ही होने वाला है, ये मसला हुआ था। तो तब से कुछ डॉक्टर ने मना किया था कि ऑपरेट ना करवाएं अभी, क्योंकि ये फिर से हो जाएंगे। अभी छोटी हैं ये हर्निया वगैरह जो है ना, ये स्टार्ट है अभी। तो अभी जो है ना, फिर भाई जवेद के पेन होती थी ज़्यादा, तो बस फिर कल बैठे बैठाए ना मेरा प्रोग्राम बन गया। मैंने कहा यार अभी मौसम अच्छा है, आज भी करवाना है या कल भी करवाना है, तो तकलीफ़ क्यों बर्दाश्त करनी, ये ऑपरेट करवा देते हैं। तो फिर प्रोग्राम बन गया जी। तो आज इंशाल्लाह भाई जवेद को लेके मैं भव्यासिया भी साथ ही जा रही हैं, बच्चे भी, तो हम लोग इंशाल्लाह आज अपडेट करवा देंगे। और फिर जो भी सूरत हाल हुई आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। आपने लाजमी दुआ करनी है, अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को शफा दे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कामयाबियाँ दे, तरक्याँ दे। बेटा हाँ जी, लगा क्या लगा दो? दो, अब बोलो। लगा परफ्यूम? अच्छा दो। हाँ जी, मोई साहब ने लगा लिया। अच्छा जी, कपड़े शपड़े ये वो चीज़ें तैयार हो गई हैं मेरी, अभी बाद में अम्मी जी कमरे शमरे को सेट करेंगी। फ़िलहाल जो है ना, जल्दी से अपने चार्जर ये वो हर चीज़ें उठा के मैंने रख ली हैं। अभी ये चीज़ें हैं मेरी तैयार, हैंड फ्री के दिन है भाई, मेरे हैंड फ्री ना रह जाए, माड़े मोटे बंदे असी हैंड फ्री भी माड़े रखे हैं। चलो अच्छा जी, गाड़ी लेके जानी है अंदर घर के। ये रहा जी गेट हमारा। ये रहा जी गाड़ी आ गई अंदर। अभी यहाँ से रखेंगे कुछ सामान वगैरह। अच्छा जी, बस तैयारी होने लगी है गाड़ी, बस थोड़ी देर तक अस निकल लेना। मैं क्या कार साफ कर ली है, हम साफ कर ली है। जी आप पानी डालने लगे हो? हाँ जी। जी इसमें ठंडा पानी क्यों डाल रहे हो आप? बेटा ठंडा भी डाल सकते हैं, गर्म भी डाल सकते हैं, अभी है हमारे पास ठंडा, तो ठंडा ही डालेंगे। हाँ जी। शामी जी। अच्छा बात। अंदर रखी हुई थी जी, एक चाबी बाहर भी होती है, वरना अंदर से लॉक हो जाए तो फिर मसला बनता है। एक चाबी मैंने अपने अंदर भी रखी हुई है रूम में। गाड़ी में बैठ गए हैं और अभी बस निकलने की यहाँ से तैयारी हो रही है। बस चार्जर लेने हैं, भाभी कह रही है चार्जर मैं भी ले लूँ, क्योंकि वहाँ फिर जाहिर सी बात है हमारे तो अपने इधर लाइट भी नहीं है, और उसके साथ साथ फिर वहाँ मोबाइल वगैरह बंद हो जाएंगे तो फिर मसला बनता है। अभी ये भाभी जी चार्जर लेने गई हैं, चार्जर लेके आ गई हैं, बस फिर अब हम लोग निकलेंगे और अल्लाह ताला खैर करे। चलें जी, बस हमने
कुछ काम करने हैं शहर, तकरीबन 2 घंटे हमें लग जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे फतेहपुर, फतेहपुर से हमने ऑपरेट करवाना है। यहाँ भी डॉक्टर हैं लेकिन भाई जवेद का दिल मुतमिन होता है वहाँ उस डॉक्टर के पास जाए जहाँ से अपेंडिक्स का भाई जवेद का और भाभी आसिया का करवाया था, इस वजह से वहीं से कह रहे हैं करवाना है। और ऐसी बात नहीं है कि हमारे इधर चौकाज़ा में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर यहाँ भी हैं लेकिन भाई जवेद का दिल मुतमिन होता है वहाँ, क्योंकि अबू के टाइम जब अपेंडिक्स का ऑपरेट करवाया था ना इधर से, तो वो थोड़ा मसला बन गया था। तब से भाई जवेद जो है ना इनका दिल मुतमिन होता है उस डॉक्टर के पास, और उनका जो इखलाक है बहुत ज़बरदस्त इखलाक है और बहुत अच्छे से जो है ना बंदे मरीज़ को देखते हैं, तो इस वजह से भाई जवेद कहते हैं जी वहीं से करवाना है। और उनके साथ अब जान पहचान थोड़ी है, तो इस वजह से भाई जवेद कह रहे थे कि वहीं से करवाएंगे ऑपरेट। और अभी जा रहे हैं और भाभी आसिया भी साथ है, बच्चे भी साथ थे। जी जियान के पास आए हैं और इतना ज़्यादा खुश है ना हमारा मिट्टू। अच्छा जी ये ना सबसे ज़्यादा मेरे पास आता है, मेरे पास आखिर होता नहीं है, इतना ज़्यादा खुश होता है ना क्योंकि मैं इसके जानता हूँ इसे क्या क्या कुछ करना। हाँ जी किधर जाना? अच्छा जी अब ये बता रहा है कि लैपटॉप पड़ा है, लैपटॉप उठाना है तो बता रहे हैं वो उठाएं। हाँ जी अच्छा जी इस रोड की हालत देख लें, ये MM रोड है हमारा और इसे साल हो गया है, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है और अभी तक हमारे हुक्मरान जो हैं उन्हें इस चीज़ का इलम ही नहीं है, क्योंकि वो तो जाते हैं जी मोटरवे पे और हम लोग जलील हो रहे हैं, जलील ख्वार हो रहे हैं, किसी को कोई इलम नहीं। अभी देख लें इतना इस रोड पे रश होता है ना, तो अभी आप गाड़ी की आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी, इतने ज़्यादा खड्डे जाम भी है वो। और ये देख लें सामने से कोई बंदा पूछे इसे उखाड़े ही ना आप लोग, इसे ख़त्म ही ना करते, जो पहले रोड चल रहा था उसे रहने दें अभी जब आपके पास पैसे नहीं थे। तो अभी देखें आवाम जलील हो रही है, पीछे देख लें कुछ नज़र नहीं आ रहा, बेशक गाड़ियां एक दूसरे में टक्कर लग मारती रहें जो मर्जी होता रहे, किसी को कोई होश नहीं है और गाड़ियों वाले भी जा रहे हैं अपनी 120 की स्पीड पे, किसी को कोई इलम नहीं है। और पिछले दिनों में एक इधर नुकसान हुआ था, जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं ना स्पीड में, गाड़ी जा रही थी डेवो, उसके टायर से नीचे ना ये पत्थर निकला, ये जो वट्टे फेंके हुए हैं, और गाड़ी वाला कार वाला जा रहा था, न्यू उसकी गाड़ी थी अल्टस ठीक है ना, तो उसका ये वाला शीशा टूटा और उस बंदे के सर में लगा और बंदा बेचारा बेहोश हो गया। तो इस तरह के भी वाकयात होते हैं जी। अभी हम के घर आ गए हैं हम लोग, छे उधर अच्छा तंग करने के उधर बच्चे ना खेलते। अच्छा जी हैप्पी हमारा उन्होंने को पहुंच गए हैं, हैप्पी हमारा कह रही है जी सोडा बनाना हो ते नहीं, अल्लाह खैर करेगा, असि तो पहुंच ही गए हैं। लेकिन जड़ी हवा चल रही है ना आज ये बड़ा काम खराब कर रही है। मेरा ग्लास इधर दे दिया जी। तैयारी जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी हमने जाना भी है। और अभी बिस्तर जो है ना लेके जाने, हाँ जी चटाई में ऐसे तो ला ली सी, फिर रात को नहीं तो तंग होंदा वा, रश अगर हॉस्पिटल से ज़्यादा होवे ना। अच्छा जी हम लोग वहाँ एक काम करते हैं, अगर हम लोग एक तो बंदे ज़्यादा हो ना तो फिर हम लोग इस तरीके से करते हैं कि हाँ जी तुम इस तरह करना सी रजाइया अजे नहीं सी ले जानिया, रजाई उ बड़ी सी जो मैं थोड़ा छड़न आता फिर मैं रजाइया ले जाना, कट के रख लो। हाँ जी तैयारी हो गई, अब हॉस्पिटल चलते हैं और हॉस्पिटल जाके आपको सारा बताते हैं जी डॉक्टर साहब क्या कहते हैं और क्या सीन बनता है। चलें जी अभी अल्लाह का नाम लेते हैं और चलते हैं। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह ये हल्का है, अगला किला पर वो
अच्छा मतलब कि जिदा तुसी भा रहे हो ओदा किला भी भरा है ओ फिर वखरी वखरी गावां दे ना बोरिया चुक लिया अंदर वड़ जावां खा जाने कुछ भी नहीं होना। अच्छा जी अभी तकरीबन 10 मिनट में हम लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अच्छा जी अब हम लोग जा रहे हैं वापस, डॉक्टर ने कहा है जी कल 2 बजे आना। तो ये रही हमारी गाड़ी, गाड़ी में बैठते हैं, आगे की सूरतयाल आपको बाद में बताते हैं जी। चलें जी घर आ गए। इससे लॉक भी लगा देते हैं जी और निकलते हैं बाहर। अच्छा जी एक चीज़ आपको दिखाऊं, ये देखें इधर चंदा मामू, आज 2 डेट है जी और माशाल्लाह चांद चढ़िया, बहुत ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। चांद जब देखे ना तो दुआ मांगी जाती है, तो दुआ करनी चाहिए कि ये वाला चांद हमारे लिए मुबारक हो और हमारी जितनी भी मुश्किलें दूर हो जाएं और हम लोगों ने जो भी सोचा होता है अल्लाह ताला सब अच्छा करें।